हेलो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा था कि पार्ट कोड असेंबल डी असेंबल करना एचपी लेजर जेट 2035 2055 में कैसे पार्ट रिप्लेस होता है, और 2015 2014 एचपी लेजर जेट 2014 2015 3015 किस तरह से फ्यूजर निकालते हैं लगाते हैं, हमने डीपली हमने ब्रीफ किया था इस पार्टों के बारे में, तो जानकारी दी थी। तो कौन क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, सॉल्यूशन क्या होता है प्रिंटर में। और ये देखिए, जो इसका जो कंडीशन होता है टेफ्लॉन कोटेड जो इस पर पेंट लगा हुआ है, कोटिंग चढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कहीं से डैमेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, या ये फैट फट जाता है टेफ्लॉन, या इसका स्क्रैचेस आ जाते हैं, ब्लैक कलर दिखने लगता है, तो ये ख़राब हो जाता है। अभी इस तरह दिख रहे हैं तो ये बिल्कुल गुड है। और इसके नीचे एक ग्रीस लगती है इसके, ये जो उतार के इस जब हम यहाँ से ऐसे निकालते हैं लॉक को, ऐसे खींचते हैं बाहर, लॉक निकल जाता है, और ये ऐसे इस पर ग्रीस लगता है, इस पर हम अप्लाई कर देंगे, फिर ऐसे टेफ्लॉन इस हिस्से से हम लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे वापस लगा लेंगे तो ये फाइन चलने लगेगा। सिलिकॉन ग्रीस लगाते हो तो आपका पेपर जाम का एरर नहीं आएगा, फ्यूजर में आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है, फुल्ली कॉन्फिडेंस आप यूज़ कर सकते हो, दोबारा आपको प्रिंटर खोलना ही नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा मेथड भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सिलिकॉन ऑयल का यूज़ करते हो तो बार बार आप परेशान होगे, कुछ पेपर प्रिंट निकालेगा, हीट होके वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, 100 जैसे 10-20 प्रिंट बेसिक प्रिंटरों में, बेसिक नहीं इस टाइप से प्रिंटरों में, 2015 या 2055 प्रिंटरों में, बेसिक प्रिंटरों में भी ये इशू आने लगता है, ठीक है, हीट होके ऑयल उड़ जाता है, ठीक है। तो अब ये ग्रीस लगाओगे तो ये इसी में रहता है, जितना हीट होगा उतना फाइन चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लॉक लगा लेंगे, दोनों लॉक एक साइड में होते हैं और ये जो कनेक्टर है इस साइड में होता है, और इस पर इम्पीडेंस भी हम चेक करते हैं, इम्पीडेंस हमारा बीप रेंज पे मीटर होना चाहिए, उसके बाद से हम मीटर को रखेंगे बजर पे। तो अब जान लेते हैं, जिनको मल्टीमीटर के बारे में पता नहीं है तो मल्टीमीटर देखिए, सबसे पहले ये ऐसा मल्टीमीटर है यूनिट का, तो आप देखिए यहाँ पे 40 mm लिखा है, मेगा ओम होता है, जहाँ पे एम लिखा 4 mm ये मेगा ओम, के लिखा तो किलो ओम, और नॉर्मल यहाँ पे बिंदी है 400, तो ये 400 ओम तक का रेंज दिया है। बाकी अब बजर पे यहाँ पे देखिए डायोड और बजर मोड दिए हुए हैं, इस पर आप सेट करके दोनों चीज़ें डायोड भी चेक कर सकते हो, बजर पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टिंग वगैरह या वायर चेक करना है, फ्यूज चेक करना है, या शॉर्टिंग चेक करना है यहाँ से। बाकी जो काम की चीज़ें आ जाते हैं इधर, इधर जो पावर आप देखते हो यहाँ सिंबल AC का है, जो हमारे काम के यूज़ हैं, बाकी NCP यहाँ पावर वगैरह यूज़ चेक कर सकते हैं, और ये हमारा DC का सेक्शन है, यहाँ से ये जो DC का सिंबल है, तो जो हमारे जनरली हमारे प्रिंटर में या टीवी में या कोई भी जो भी AC डिवाइस हम बोर्ड से कनेक्ट करके देते हैं, तो 750 400 पे हम रख के जनरली चेक करते हैं, ठीक है, जो हमारा डिवाइस जो भी रन करता है, AC वोल्टेज जो घर में से आती है, ठीक है, जो DC वोल्टेज होता है, जो भी हमारा डिवाइस सप्लाई लगी होता है उससे कन्वर्ट करके जो पावर देता है, जैसे ये सप्लाई है, तो हम यहाँ से कनेक्टर 220 वोल्ट देते हैं इस फ्यूज के थ्रू, तो इस कनेक्टर पे 24 वोल्ट आ जाता है, तो हम इस पे 24 वोल्ट चेक करेंगे, वो DC होता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है, तो वो करंट आपको उस समय झटका नहीं लगता है बिजली का, या ज़्यादा वोल्टेज हो 300 आसपास, तो वोल्टेज हमें झटका लगने की संभावना है या शॉक लगने की संभावना है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे चेक करना है, तो हमें फ़िलहाल अभी ये हीटर चेक करना है, हीटर की जो इम्पीडेंस होता है आपको बता दूँ, किसी भी मल्टी हीटर की तो 50 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, अगर 50 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू बता दे, कोई भी इसमें वैल्यू बता दे तो ओके, हीटर हमारा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है हीटर में। देखिए हमने 50 56 55 आ गया, तो ओके, अगर नील आए तो समझिए आपका हीटर ख़राब है, ये हीटर खाली असेंबली चेंज कर दीजिए, फ्यूजर ख़राब होता नहीं है। उसके बाद से अब आते हैं, अगर कभी कई बार आपका ये होता है कि ये वाला कनेक्टर निकाल दीजिए ऐसे, और इधर इस पे चेक कर लीजिए, इस पे वैल्यू बताता है, उस कनेक्टर पे नहीं बताता, तो इसका अंदर एक थर्मिस्टर लगा होता है यहाँ पे, वो ख़राब हो जाता है, तो उसके कारण होता है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हीटर असेंबली आप चेंज कर दीजिए, ये वाली खाली जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका प्रिंटर काम करने लगेगा, ठीक है। कई बार आप हीटर चेंज करे हो, हीटर गर्म होके फ्यूजर अगर देने लगता है या ये जल जाता है, टेफ्लॉन प्रेशर वगैरह आपस में चिपक जाता है, तो उसका कारण होता है एक ही समस्या होता है इसमें कि ये आपका 8 PM की जो आई देख रहे हो IC ये ख़राब है, ठीक है,
और ये रिले चेंज कर दो और ये ऑप्टो कपलर प्रॉब्लम आपका सप्लाई का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और सप्लाई ऑन नहीं हो रही तो अरे मॉस्फेट चेक करिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कोई चीज़ ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। MFC फूल जाएगा तो कोई प्रिंटर आप लोड नहीं लेगा, बंद हो जाएगा। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये अगर टूट जाएंगे तो आपका 52 स्कैनर एरर देने लगेगा, प्रिंटर भी मूवमेंट नहीं करेगा, रीडिंग भी नहीं करेगा। और ये केबल डैमेज हो जाएंगे तो भी आपका प्रिंटर ऑन नहीं होगा या लाइट नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो ठीक है, रस्ट वगैरह है तो आप क्लीन कर लीजिए IP वगैरह से या तो सीजर वगैरह से, ऐसे जो अभी रस्ट दिख रहा है उसको हम क्लीन कर लेंगे हल्का सा, थोड़ा सा इस पर रब करेंगे तो क्लीन हो जाएगा, चमक साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। सप्लाई डैमेज नहीं होना चाहिए, फिजिकल जला नहीं होना चाहिए, जो पार्ट फिजिकल जला हो। NTC यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर लगे हैं, आप देखो कॉइल्स लगे हैं, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आपके फॉल्ट के अनुसार, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ये प्रेशर रोलर हमारा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो साइड में बुश लगे हुए, ये देखिए इधर लेफ्ट और राइट, इन बुश को हम क्या करेंगे, इसको साइड में करते हैं जिससे आप लोगों को आसानी से दिख सके, ठीक है। ये देखिए बुश को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस लगाना है और ये देखना है प्रेशर रोलर सिकुड़ जाता है कभी कभी हीट होके या चलते चलते ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे सिकुड़ना नहीं चाहिए इसको। देखिए सिकुड़ा नहीं है, बिल्कुल क्लीन है हमारा, ओके है। तो इसमें गंदगी होती है, देखिए इधर इधर ये देखिए, जब हम इसे करेंगे देखिए यहाँ पर ये आ गया, तो इसको अभी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे कॉटन की सहायता से या ब्रश की, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है उससे, टूल्स अगर टूल्स आप कैरी करके रखते हैं, ब्रश सिलिकॉन ग्रीस, तो आपका ओवरराइड कॉल ओवर अटेंड री अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में ज़रूरत है जैसे कि आपका कुछ शॉर्ट हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया, यूजर ने कुछ गलती कर दी, उस केस में आपको दोबारा विजिट करने की ज़रूरत होती है। वैसे आप इस तरह से काम करोगे प्रोफेशनली तो आपको किसी भी चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और इस ट्रिक को यूज करके आप सफल इंजीनियर सफल प्रोफेशनल बन सकते हो, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, और क्वालिटी इम्प्रूव होता रहेगा। तो आप देखेंगे हम टैप ये लगाते वक्त आपको ध्यान देना है, ये जो गियर है यहाँ पे इस साइड में, तो इस साइड में गियर लगते हैं, तो इसका जो बाहरी हिस्सा होता है जिसमें अटैच होता है गियर, ये हम इधर लगाएंगे, ठीक है। हम तो इधर ही लगाएंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रिंटर में, ठीक है, देख लेंगे। तो हमने इधर लगा लिया इसको, उसके बाद से आप क्या करेंगे, हम इसे, वीडियो लंबी है, दो पार्ट में हमने बनाया है, पार्ट वन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट टू में आएगा, तो ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब करते हैं हम इस पर ये हीटर लगाते हैं। हीटर लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है हमेशा जो हीटर है हमारा गियर के साइड में रहेगा, ठीक है, ये वाला 20-55, 20-35, 20-15 जो भी इस टाइप से प्रिंटर आते हैं आप इस टाइप प्रिंटर में इधर ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये जो लॉक है आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए, ध्यान से नज़दीक से देख लीजिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो अब रखते हैं हम क्या करेंगे इस पर, इसमें दो साइड में आप देखिए स्प्रिंग लगते हैं, स्प्रिंग और लॉक, ओके। तो इसमें लेफ्ट और राइट लिखा होता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट आप देख सकते हो इसमें लिखा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे L बना हुआ है, ये शायद बना है या क्या बना है, कोई इशू नहीं, अगर लेफ्ट राइट नहीं लिखा हुआ है तो भी आपको कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। इसमें आप लगाओगे ये प्रॉपर ऐसे सेट हो जाए और प्रेस होने लगे, समझो आप ओके लगा, ठीक है। अब बात करें स्प्रिंग लगाने की, तो ये देखिए स्प्रिंग हम इस पर सेट करेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग हमारा हमें इस पर लगाएंगे ऐसे इस पर, और एक स्प्रिंग ऐसे यहाँ लगा देंगे। ये तो हाथ से, एक साइड में आप हाथ से ही लगा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ग्लव लगा रखा है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा,
ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या होगा, एक ट्वीज़र लेंगे, ट्वीज़र लेंगे, या आपके पास फ्लैट टूल्स होना चाहिए, जैसे कि भरी मेरे पास है। तो देखिए ये ट्वीज़र, ऐसे ट्वीज़र होना चाहिए, इस तरह से आप इसमें, कोई बात नहीं, वीडियो चल रही है। तो देखिए ये यहाँ पे स्प्रिंग ऐसा लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको करना क्या है, इधर इस साइड का भी स्प्रिंग आपको लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, ये जो असेंबली है इस पर हम रखेंगे ऐसे, और इस पार्ट को हम लगाएंगे, ओके। तो चैनल पर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए ऐसे वीडियो देखने के लिए। हमारे इसमें काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और हमें समय देना पड़ता है, अपने प्रोडक्टिविटी को डाउन करके फिर वीडियो बनाते हैं। तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये देखिए, अब बात आती है इस रॉड को लगाने की, तो ये हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले अगर ये वाली हम असेंबली इसमें लगाएंगे, जो इसे केबल रूट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इधर लगा लेते हैं। तो इसमें देखिए ये यहाँ पे लॉक दिया है, ओके। तो ये इस साइड में नहीं लगेगा, ये जो आप देखोगे तो ये यहाँ पे अर्थिंग के लिए होता है, ये प्रेशर लोअर के लिए होता है, यहाँ पे ये हम लगाएंगे, ठीक है। तो हम इस पर मैच करके लगाएंगे ऐसे, ये देखिए। और ये स्क्रू यहाँ पर हमारा होना चाहिए, ये देखिए यहाँ स्क्रू लगेगी, ठीक है, यहाँ पेच लगेगा, ये देखिए, ओके, ये पेच लगेगा यहाँ पे। तो हम इसको लगाएंगे और पेचकस से इसको टाइट करेंगे, पेच, ठीक है। तो एक बार यहाँ पेच लगाते हैं, यहाँ पे एक पेच लगेगा तो सेट हो जाएगा। ये पेच को आप मिला दोगे, समझो ये ओके दिखने लगे पेज का स्पेस, तो ये सही लगा है, ठीक है। तो ये हमारा लग के तैयार हो गया, इस साइड का ग्राउंडिंग सेक्शन, ठीक है। तो कोई भी इशू आपको तो कमेंट, दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा सा एंगल सेट करते हैं ज़रा कि आप लोगों को भी दिखे सही से। ओके, तो ये हमने इस साइड का पैक कर लिया, अब केबल रूट हो चुका है। तो मेरा भी ये वीडियो आता पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और इस तरह से इस साइड का लगा लिया, अब हम इस साइड का लगाएंगे, ठीक है। तो इस साइड का हम पहले इधर देखिए, यहाँ पे जो एक लॉक है यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक कट है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड करेंगे कैसे, यहाँ पे ये हो रहा है, फिट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है कट हमारा, ये जो लॉक, ये सीधा इस पे जाएगा, यहाँ पे कट दिया, ये देखिए ये वाला कट पे जाएगा, इस वाले पे, यहाँ पे कट दिया, ठीक है। यहाँ पे मैच होगा, इसमें लगेगा लॉक में, तो इस वायर को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे आसानी से हम लगा सकें, ओके। आसानी से लगेगा, ये वायर ऊपर करना है, तो ग्लव पहन के थोड़ा सा काम करना मुश्किल होता है, लेकिन सेफ्टी होता है। देखिए हमने लॉक को उसमें फिक्स किया और ये लग चुका है, ठीक है, पैक हो गया। अब हम केबल को रूट कर लेते हैं, इसी से रूट कर लेंगे, तो ये हमारा सेफ्टी हो गया, ठीक है। अब इसको, अब बात आती है इसके ऊपर कवर करने का, तो ये कवर है इसका, अब हम इसमें क्या करेंगे, फिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक लॉक लगा हुआ है, ध्यान से, और इसको हम भी क्या करेंगे, इससे मैच करेंगे, अपने आप पैक हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से, और इधर से हम पहली बार मैच करेंगे, ये देखिए ध्यान से, हाँ ये पैक हो चुका, परफेक्ट, ठीक है। अभी बाहर भी कनेक्टर नहीं आया। तो इस तरह से हमारा ये फ्यूजर पैक हो गया। अब बात करें
तो ये इसको लगाने की, इसको लगाएंगे कैसे, चलिए अब देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा लगाने की बारी आई तो अब क्या करेंगे, हम इस पर ये रख देंगे, ओके ये लगाएंगे, ठीक है, गियर से गियर मैच करेंगे, रोलर से रोलर, तो ये लग जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा, कभी सही नहीं, गलत नहीं होगा, ओके। अब हम इस पर पेंच लगा लेंगे, चार पेंच लगाएंगे, और फ्यूजर सही पैक करने का तरीका यही है इसका, नहीं तो आप नहीं देखोगे पूरी वीडियो तो आपको समझ नहीं आएगी। और ये ट्रेनिंग, तो इस तरह से आप पैक करिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट। ये प्रिंटर, एक पैक प्रिंटर आपने पैक कर लिया तो सारे प्रिंटर, कोई भी फ्यूजर प्रिंटर आप आसानी से पैक कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो वीडियो कभी कभी दिख नहीं रहा फ्रेम में, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस की इशू है मेन कंज्यूम करने की, ठीक है। उसके बाद से ये जो है हमारा, हम इस पे रोलर को इधर से लगा लेंगे, ठीक है, इस साइड में रहेगा हमेशा। तो बस ये फ्यूजर पैक ही होने वाला है, तो ये देखिए इस साइड से हम लगा लेंगे, ओके। उसके बाद से हम इसको लगाएंगे, इस गियर को, ठीक है, इस इधर लगा लेंगे इसको, हम लगाते कैसे भी लगा लीजिए इसको। अब बारी आती है इसको लगाने के, इस गियर को लगा के, इस पे डिपेंडेंट है पूरा खेल, नहीं तो डोर बंद नहीं होगा। अब देखिए ये रहेगा आपका अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे आपने लगाना है, और इसके एक दांत इसमें होना चाहिए ऐसे, ये देख लीजिए ऐसे होना चाहिए, तभी आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो डोर आगे पीछे क्लोज होगा, ठीक है, नहीं तो आपको आवाज़ करता रहेगा, और ये फ्यूजर भी आपका गियर लगेगा नहीं, ठीक है। तो क्या गियर नहीं लगेगा वो हम देख लेंगे, ये फ्यूजर हमारा पैक हो चुका है, चलिए अब इसको प्रिंटर में लगा लेते हैं और आपको पैक करके दिखाते हैं प्रिंटर को, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंटर है, ओके ये हमारा प्रिंटर है, अब फ्यूजर लगाते हैं, देखते हैं इसमें, तो फ्यूजर एकदम प्यार से लगता है इसमें, ये देखिए इस साइड से फ्यूजर लगेगा ऐसे। तो सबसे पहले हम इस हिस्से को हम क्या करते हैं, इन करते हैं और फ्यूजर को ऐसे लगा देते हैं, सिंपल, बहुत आसानी से हमारा फ्यूजर लग गया। अब क्या करेंगे, फ्यूजर में हम दो पेच लगा देंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ऐसे हमारा प्रिंटर फ्यूजर लग गया, पैक भी आसानी से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आराम से पैक करिए। ये बताने के टाइम सही से, वीडियो लंबी हो जा रही है और टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो 10 मिनट का भी काम नहीं है। अब बात करते हैं पावर सप्लाई लगाने की, पावर सप्लाई कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये देखिए, अरे पावर सप्लाई रिप्लेसमेंट करने भी इसमें वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए प्रिंटर आप रख लीजिए ऐसे, बिल्कुल ऐसे स्टैंड करके, ठीक है, और ये पावर सप्लाई लीजिए अपने तरफ। तो ये पावर सप्लाई को क्या करना है आपको, प्रिंटर को नीचे ही रख लेते हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो हमारी है पावर सप्लाई, ठीक है, सेक्शन यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई लगेगा। तो सबसे पहले पावर सप्लाई लगाने से पहले आप इस पॉइंट को ऐसे पावर सप्लाई लीजिए, यहाँ पे इंसर्ट कीजिए पावर सप्लाई को, ठीक है, और इस तार को यहाँ से निकालिए, यहाँ पे एक होल्स होता है, आप देखोगे तो पता चल जाएगा, दिखा देता हूँ, ये देखिए कहाँ से वायर गया है, इस होल से गया है, तो यहाँ से निकालिए सबसे पहले केबल को प्रॉपर तरीके से, इसको अंदर ही रहने दीजिए, ठीक है, केबल को। उसके बाद से ऐसे सप्लाई को इन करते रहिए आराम से, और ये कनेक्टर भी ध्यान से कि इसमें कोई केबल फंस ना जाए, ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा खोलना पड़ जाएगा, ऐसे आराम से लगा दीजिए, ओके। और इस तरह प्रिंटर को आप खड़े कर लीजिए,
सप्लाई को सेट कर दीजिए एकदम बिल्कुल ऐसे। थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट करना पड़ेगा तभी ये जाएगा, और ये जो तार गए हैं अंदर इनसाइड इसको हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी ठीक है अपनी जगह पे। ठीक है इस तरह से आप सप्लाई लगा सकते हैं, ऐसे सप्लाई आपकी लग जाएगी आसानी। और जब लग जाएगी तो आप देखो इधर ये लॉक है, ये बिल्कुल मैच कर जाएगा। ठीक है अभी लगी नहीं है, ये मैच कर जाएगा ये वाला हिस्सा, और ये लॉक है इसमें आसानी से मैच कर जाएगा। ठीक है ये देखिए अब जाके ये इस तरह से बैठ जाएगा। ठीक है जब बैठ जाएगा तो यहाँ पे ये आपस में लॉक दिख जाएगा। इसको अलाइन करना, आपको अलाइन करने के बाद थोड़ा सा इसको प्रेस करके अंदर की तरफ इस लॉक को सप्लाई को क्या करना नीचे प्रेस कर देना है, ये पैक हो जाएगा। ठीक है ये देखिए हमने अंदर कर दिया, थोड़ा सा इसको कर दिया, ये देखिए लॉक हो गया आपस में। ठीक है इस तरह से आपको बाएँ तरफ भी कर लेना है, यहाँ पे आपको इसको मिलाना है, देन आपका ये पैक हो जाएगा प्रिंटर, और ये पैक बिल्कुल चलने लगेगा अभी। और इस प्रिंटर में हमारे जो डिस्प्ले का इशू था उसको हम रिजॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बारीक सा आप टूल्स लीजिए जिससे कि आप इस जो पॉइंट को अंदर प्रेस कर सको। ठीक है बिल्कुल आसानी से होता है, ये भी लॉक हो चुका है हमारा, देखिए इधर भी लॉक हो गया। ठीक है अब हम साइड में इसको लेते हैं, अब इसकी पावर की सेक्शन निकालते हैं बाहर की तरफ, जो कनेक्टर है हमारा। अभी ये बात आ रही है ये कनेक्टर की, जो हमारे लॉजिक कार्ड में ये कनेक्टर कनेक्ट होता है, इसको हम निकालेंगे, नहीं तो ऐसे आप पहले निकाल लोगे तो डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहता है, स्ट्रिप निकल जाएगी तो फिर आप पावर सप्लाई चेंज करना पड़ेगा आपको, तो गए हो आप ठीक करने प्रॉब्लम समस्या बढ़ जाएगा, फिर आपका कॉल भी री ओपन ही रहेगा और आपका प्रोडक्टिविटी भी डाउन रहेगा, आपको दोबारा विजिट करना होगा, आपके लिए एक और एक्स्ट्रा टास्क ऐड हो जाएगा। अभी इस तरह से केबल रूट करके हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए ऐसे लगा लेंगे इन दोनों पॉइंट में, तभी हमारा प्रिंटर इनिशियलाइज होगा चलेगा, ये तो डोर ओपन का मैसेज आता रहेगा। ठीक है अब आ गए हम इसमें कनेक्शन लगाएंगे स्कैनर की। ओके अब आएंगे अब गियर लगाने की बारी आई, तो देखिए जो हम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जब ये हम डोर ओपन करते ऐसे तो ये बंद नहीं करने देता, ऐसे आसान ही बंद होता है, ये ऐसे रोकने लगता है, ऐसे ऐसे करना जैसे लगता है ये टूट जाएगा, और आवाज़ भी करता है, और ये गियर भी आसानी से नहीं लगते हैं। ठीक है तो चलिए अब लगा के दिखाते हैं आपको, इस प्रेशर ड्राइव गियर लगाते हैं, उसके बाद से हम लगाते हैं इसको पेपर एग्जिट रोलर गियर, उसके बाद से हम ये लगाते हैं। ये गियर लगाते ही आपको पता चल जाना चाहिए आपका प्रिंटर सही पैक हुआ है नहीं पैक हुआ है, ये आसानी से लग गया तो समझिए कि आपका प्रिंटर सही पैक हुआ है। ओके
ये देखिए, ये ऐसे लगता है, देखिए लग चुका। और ऐसे खोलेंगे, कोई आवाज़ नहीं, कोई नहीं, सब कुछ बढ़िया प्रॉपर पैक हुआ है। नहीं तो ऐसे ऐसे करने लगता है, रुक जाता है, जैसे लगे ये टूट जाएगा। तो ये कई बार टूट भी जाता है, फोर्सली क्लोज करते हैं जो इंजीनियर, सोचते हैं नहीं। तो ये अंदर से पैकिंग का होता है, जो मैंने बताया था, जो एक दांत फिक्स करना है, ठीक है। अब पैक करते हैं, इसमें कनेक्शन करते हैं, ठीक है। कई बार ये प्रिंटर आपने सब कुछ कर लिया, इनिशियलाइज पटक जाता है, ये वाली केबल निकाल दीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। या तो ये क्लीन कर दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा सेंसर, ठीक है। वो भी आईसो से क्लीन करना आपको। और इम्पीडेंस चेक करना है तो फ्यूजर का इम्पीडेंस बाहर से खोल, बिना प्रिंटर खोले यहाँ से चेक कर सकते हैं। 50 से 90 के बीच में वैल्यू आना चाहिए। अगर नहीं आया तो बिना आप टाइम वेस्ट किए प्रिंटर को पार्ट डिमांड कर दीजिए। आपका कार्ड लेवल बेस पे काम है, या तो खोल के देखिए क्लीन वगैरह करके, जलाए तो कन्फर्म कर लीजिए। इसको खोल के 2 मिनट टाइम लगता है, ये 2 पेज खोलना होता है, गियर 3 निकालना होता है, फ्यूजर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 कनेक्शन निकाल लेते हैं, इसके स्ट्रिप निकालने होते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं होता, अभी ये पावर का कनेक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो बेसिक सेटअप कनेक्शन है इसे कनेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये जो हमारा कनेक्शन है यहाँ लग जाएगा, जो जिसका है उसी में लगने वाला है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये इसका नहीं है शायद, ये दूसरे का है, देखिए इधर का रहेगा, उधर ही कनेक्ट होगा ये, ओके। और ये हम लगा लेंगे, ये हमारा ग्राउंडिंग होता है, ये जो केबल होता है ये वाली, तो इसे में हम लगा लेंगे। और ये जो बैक साइड का ये, तो इस हिस्से को हम क्लीन करके अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे स्लाइड करना है आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो पहले हम इसको इसके जगह पर फिक्स करेंगे, ऐसे स्लाइड करेंगे फिक्स करके, पहले फिक्स करते हैं। और ये मैच करना